think it started telling you the type of this specimens, and this belongs to the chapter the living words. Types of specimens is generally used for naming the new plants. New plants केवल नया नाम देने के लिए, botanical name देने के लिए या scientific name देने के लिए इसका use किया जाता है. जो new plant होता है, सबसे पहले उस plant को किसी भी नई locality से select किया जाता है और उस new plants के कुछ material को ले करके एक टाइप बनाई जाती है, एक हार्बेरियम बनाया जाता है, जिससे प्लांट का नया नाम प्रोवाइड किया जाता है. इसी को हम लोग कहते हैं होलोटाइप. होलोटाइप मीन्स होता है वह हार्बेरियम जिसका यूज प्लांट के नए नाम को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे होलोटाइप कहते हैं. यह हार्बेरियम सीड पर एडजस्ट किया जाता है और इसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की जाती है और एनाटॉमिकल स्टडी की जाती है. और जब इसका नाम दिया जाता है तो प्लांट को एक नया नाम देने के लिए वो ओल्ड नेमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी नए प्लांट का नाम देने में पहले दिए गए प्लांट के नाम से ये नाम मैच कर जाए. कभी भी ये नाम मैच नहीं करना चाहिए. दूसरी बात ये होनी चाहिए कि इस प्लांट का नाम देने के लिए किसी न किसी लैटिन वर्ड्स का ही यूज करना चाहिए, अनदर लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए. जब होलोटाइप के साथ किसी लोकेलिटी से ये प्लांट लेकर के इसका हार्बेरियम बनाया जाता है, तो इसी प्लांट के दूसरे पार्ट से किसी न किसी पार्ट से लेकर के एक नया हार्बेरियम भी बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोटाइप. आइसो मीन्स होता है सेम, एक ही जैसा प्लांट यूज किया जाए. इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब होलोटाइप अवेलेबल सही ढंग से नहीं हो पाती या उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो आइसोटाइप का यूज किया जाता है. इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज ए डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप. होलोटाइप की डुप्लीकेट होती है और उसी प्लांट का ही मटेरियल होती है, दूसरे प्लांट का मटेरियल नहीं होती है. लेक्टोटाइप इज द थर्ड पॉइंट. लेक्टोटाइप मीन्स होता है स्पेसिमेंस सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज ए नॉमनक्लेचर टाइप व्हेन देयर इज नो होलोटाइप. जब किसी वजह से होलोटाइप या तो खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है या गायब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्लांट की स्टडी करने के लिए, अदर कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए जनरली यूज किया जाता है, लेक्टोटाइप स्पेसिमेन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट टाइप इज द पैराटाइप. पैराटाइप मीन्स होता है पैरेलल हो, जो होलोटाइप और आइसोटाइप के पैरेलल हो, उसी को हम लोग पैराटाइप कहते हैं. बट इसका यूज उस वक्त किया जाता है जब इस मटेरियल के नाम को, साइंटिफिक नेम को पब्लिश करना होता है, तो उस वक्त इस पैराटाइप का यूज किया जाता है. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अदर प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज. इसको दूसरे प्लांट की उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट से बनाया जाता है, सेम प्लांट से नहीं बनाया जाता. जिससे होलोटाइप बनाया जाता है उससे नहीं बनाया जाता, बल्कि उसी लोकेलिटी के किसी अदर प्लांट का यूज कर लिया जाता है. अदर लोकेलिटी के प्लांट, उसी लोकेलिटी के अदर प्लांट का यूज करके पैराटाइप बनाई जाती है और इसे पब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है. नियोटाइप्स मीन्स होता है नए प्रकार का. न्यू मीन्स होता है नया. व्हेन ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग न्यू नॉमनक्लेचर टाइप इज यूज. जब ओरिजिनल मटेरियल जैसे होलोटाइप, आइसोटाइप और लेक्टोटाइप, ये सब गायब हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, या प्लांट ही डैमेज हो जाता है, प्लांट ही नहीं रह जाता, तो उसी लोकेलिटी से दूसरे प्लांट की एक स्पेसिमेन बनाया जाता है और उस स्पेसिमेन को लेकर के फिर से स्टडी की जाती है और उस प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट इज द सेम टाइप. सेम टाइप का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब प्लांट्स होलोटाइप दोनों गायब हो जाते हैं, वो चाहे किसी प्राकृतिक आपदा से गायब हो जाएं, नेचुरल फेनोमेना से, या किसी और वजह से, या वो डैमेज हो जाएं, या जो सीड बनाई गई है वो जल ही जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सेम टाइप का यूज करते हैं. और इसमें
डिफरेंट प्लांट को की मोर देन वन स्पेसीज नहीं बल्कि सीड बनाई जाती है जो ओरिजिनल प्लांट और होलो टाइप के ना रहने पर यूज की जाती है। इसलिए इस ओरिजिनल प्लांट के ना रहने पर इस सीड्स को, इसकी बहुत सारी सीड्स डिफरेंट प्लांटों से ली जाती हैं और सेम स्पेसीज के प्लांट होते हैं। यह अदर लोकेलिटी के प्लांट होते हैं, सेम लोकेलिटी के प्लांट नहीं होते। उसी के आसपास पाई जाने वाली दूसरी लोकेलिटी के प्लांट होते हैं, लेकिन ये सभी प्लांट सेम स्पेसीज के होते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, इसका यूज उस लिए किया जाता है, रिसर्चर लोग करते हैं या साइंटिस्ट करते हैं जो नए प्लांट को कभी पाते हैं या नए एनिमल को पाते हैं और उसका साइंटिफिक नेम उन्हें रखना होता है, तब टाइप्स ऑफ स्पेसीमेन का यूज किया जाता है। बस इस टॉपिक का यही तक है, टाइप्स ऑफ स्पेसीमेन्स यही तक लास्ट है। अब इसके बाद हम आपको नया टॉपिक लेकर के आएंगे और जो रिलेटेड होगा द वर्ड्स ऑफ लिविंग बींग से ही होगा और फॉर द स्टडी ऑफ नामनक्लेचर एंड द टाइप्स ऑफ स्पेसीमेन्स एंड ऑल्सो द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आप लोग इस पर कमेंट करें और कोई अनदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो उसको आप लोग कमेंट के थ्रू सेंड कर सकते हैं और नए टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपकी मुलाकात मुझसे होगी।